ग्रामों में से जुड़ी हुई कड़ी है और इनका जन्म जो है 24 मार्च 1907 को हुआ था फर्रुखाबाद में। 24 मार्च 1907 को कहाँ हुआ था? फर्रुखाबाद में इनका जन्म हुआ था। और ये प्रयाग के विश्वविद्यालय में एमए की उपाधि भी प्राप्त कर चुके हैं संस्कृत भाषा में। संस्कृत भाषा में प्रयाग के विश्वविद्यालय में एमए की उपाधि तक प्राप्त कर चुके हैं। और इनके पिताजी का नाम है गोविंद प्रसाद और माता का नाम है हेमा रानी। गोविंद प्रसाद इनके पिता का नाम है और हेमा रानी इनकी माता का नाम है। और इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं जैसे कि यामा संध्या गीत मेरा परिवार, ऐसे बहुत सारी कविता कहानियों को लिखा हुआ है और ये इनकी रचनाएं हैं। यामा संध्या गीत और मेरा परिवार, यहाँ पर यामा रचना को ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिल चुका है। यामा रचना को क्या मिल चुका है? ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिल चुका है और ये बहुत सारी उपाधियां देकर पुरस्कार पुरस्कृत भी किया गया है जैसे कि मंगल प्रसाद और द्विवेदी पदक। मंगल प्रसाद और द्विवेदी प्रसाद बोर्ड के ऐसे उपाधियां भी देकर इन्हें सम्मानित या फिर पुरस्कृत किया गया है। और ये महिला विद्यापीठ में प्रधान अध्यापक होके भी अपना कार्य संपन्न कर चुकी है। महिला विद्यापीठ में प्रधान अध्यापिका होके इनका कार्य को इन्हें सम्मानित कर चुके हैं। 1987 में इनका देहांत होता है। जैसे कि यहाँ पे इनके जन्म के बारे में, इनकी रचनाओं के बारे में, इनकी विद्याभ्यास के बारे में और इनके परिवार के बारे में हम लोगों ने जानकारी प्राप्त की और इनकी रचनाओं के बारे में भी हमने जाना। तो इनका मृत्यु या फिर इनका देहांत कब हुआ? 1987 में इनका देहांत हुआ। तो चलिए ये रहा महादेवी वर्मा जी का लेखन परिचय, उनकी बारे में जानकारी। तो अभी हम पाठ के बारे में ध्यान देते हैं। पाठ को प्रारंभ करने से पहले पाठ के आशय के बारे में जानते हैं। चलिए गिल्लू, गिल्लू नाम सुनते ही हमें एक सुंदर सा प्राणी या फिर सुंदर सा जीव हमारे आंखों के आगे आ जाता है। तो यहाँ पर इस पाठ का आशय क्या है इसे जानेंगे। जैसे कि इस पाठ में हमें क्या जानकारी प्राप्त होती है? प्राणी दया, जैसे कि हमें हर एक जीव जंतु पर दया के रूप में सहानुभूति से देखना चाहिए, इसकी जानकारी प्राप्त होती है। और यहाँ पर प्राणियों के स्वभाव किस तरह से होते हैं, प्राणियों की जीवन शैली कैसी होती है और प्राणियाँ भावानुभूत होते हैं या फिर नहीं, इसके बारे में यहाँ पर जानकारी प्राप्त होती है। जैसे कि भावानुभूत का मतलब भावनाएं रहने वाला जीव होता है प्राणी या फिर नहीं होता है, इसके बारे में जानकारी मिलती है। तो सिर्फ मनुष्य लोग क्या जानते हैं? सिर्फ मनुष्यों को ही भावनाएं हैं, प्राणियों को नहीं है, ऐसे बहुत लोग जानते हैं और मानते भी हैं। तो यहाँ पर इसी विषय को चर्चा करते हुए इन अंशों को ध्यान में रखते हुए इस पाठ को प्रारंभ करते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।